यूपी के बांदा जिले में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला चिकित्सालय के द्वारा जिला मानसिक स्वास्थ्य एवं विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मानसिक क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजवाना हाशमी ने कोविड 19 की दृष्टि से लोगों को मास्क लगाना और दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिला बांदा में शनिवार को सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में चिकित्सकों ने मानसिक जागरूकता और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टरों ने कोविड 19 की दृष्टि से बच्चों को मास्क लगाना और दूरी बनाकर रखने के निर्देश दिए और कहा कि बच्चों को दिए गए सिलेबस समझकर टेस्ट कर देना चाहिए और इस वक्त बच्चों को शिक्षकों से तालमेल बनाकर तैयारी करनी चाहिए। आज हम लोग का कार्यक्रम जो है सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ है जी। और ये बेसिकली शनिवार वाले दिन हम लोग ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस को कवर करते हैं, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में बताते हैं और बच्चों की अगर कोई भी समस्याएं हैं जो पढ़ाई से संबंधित हो सकती हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेस से संबंधित हो सकती हैं या फिर सब्जेक्ट को चूज़ करने में क्या सावधानियां रखनी है, इससे संबंधित उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ज़िले में भी जो हमारे ज़िला अस्पताल है वहाँ पर ये मानसिक कार्यक्रम चल रहा है, जिससे जिसकी मदद से वो अपने आगे के भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। और साथ साथ उन्हें ये भी जानकारी दी गई कि अगर वो अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में अगर इस तरह की कोई भी मानसिक बीमारियां जो जिससे लोग ग्रसित हैं उनको भी ये बताकर कि वो अपना इलाज जिला अस्पताल में ओपीडी के दिनों में जाके करा सकते हैं।